नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के एक और जिले में लगा लॉकडाउन। बिहार में राशन वितरण के लिए सरकार ने एक बार फिर कसी कमर। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था जानने के लिए जारी किया वेबसाइट। बिहार में हो रही त्रासदी को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर लगाए आरोप। सोनू सूद ने शुरू किया फ्री कोविड हेल्प कैंपेन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी का आज है आखिरी मौका। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बैंक ऑफ बड़ौदा में कई सीनियर पदों पर निकाली गई भर्तियों के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, टेरिटरी हेड, ग्रुप हेड, प्रोडक्ट हेड, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च हेड, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल, सेल्स मैनेजर और आईटी फंक्शंस एनालिस्ट मैनेजर के कुल 511 पदों के 29 अप्रैल 2021 तक ही आवेदन किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह भर्ती शुरुआत में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था जानने के लिए जारी किया वेबसाइट। बिहार में दिन प्रतिदिन कोविड-19 की अवस्था खराब होती जा रही है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और अस्पतालों की व्यवस्था भी काफी ज्यादा खराब है, जिसके कारण मरीजों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग में राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निजी सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन के बारे में जानकारी मुहैया कराने को लेकर एक वेबसाइट जारी की गई है। उस वेबसाइट में आपको बेड, आईसीयू में खाली बेड की पूरी जानकारी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने covid19health.bihar.gov.in जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लेने की दी नसीहत। बिहार में कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अब पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। इसी क्रम में बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को टीका लेने की नसीहत दी गई है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा है कि अब तक ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना का टीका ले चुके हैं। बचे हुए पुलिसकर्मी से पुलिस मुख्यालय ने कोरोना टीका लेने के लिए उनसे अपील की है। बिहार के एक और जिले में लगा लॉकडाउन। बिहार सरकार भले ही समूचे बिहार में लॉकडाउन की घोषणा नहीं कर रही है, मगर बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिलाधिकारियों ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नवादा जिले के बाद अब एक और जिले ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने 3 दिनों के लिए कम्प्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम ने यह फैसला किया है। उन्होंने फिलहाल सिर्फ 3 दिन के लिए यह निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि आगामी शुक्रवार से लेकर रविवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। मंत्री आलोक रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विभाग के नाम जारी किया पत्र। कोविड-19 की बढ़ती स्थिति के बीच में मंत्री आलोक रंजन ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विभाग के नाम पर एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने सहरसा जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की मांग की है। दरअसल इन दिनों सहरसा में भी कोविड-19 संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई पेशेंट काफी गंभीर रूप से बीमार है, जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना काफी जरूरी है। फिलहाल रेमडेसिविर इंजेक्शन सहरसा में उपलब्ध नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर आलोक रंजन बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं। अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा बिहार के 1414 किलोमीटर NH। बिहार में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार बिहार में नेशनल हाईवे को बनाने में लगातार जुटी हुई है। इसी क्रम में ताजा मिली जानकारी के अनुसार राज्य में नेशनल हाईवे की सड़कों को 2 साल के दौरान करीब 1444 किलोमीटर की लंबाई में 4 लेन बनाकर के बेहतर बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें प्रत्यक्ष तौर पर करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारों की माने तो 1444 किलोमीटर लंबाई में से करीब 447 किलोमीटर लंबाई में 15 सड़क परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया गया है। साथ ही 797 किलोमीटर की लंबाई में 22 सड़क परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन इस साल हो जाएगा। बिहार में राशन वितरण के लिए सरकार ने एक बार फिर कसी कमर। बिहार में राशन वितरण की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है, जिसके तहत बिहार के 8.60 करोड़ लाभुकों को लाभ मिलने वाला है। जानकारों की माने तो अनाज वितरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तरीय निगरानी समिति को भी लगाया गया है। राशन दुकानदारों की शिकायत पर सरकार ने प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव पहले ही कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब राशन उठाव के लिए अंगूठे के निशान की बजाय आंखों की बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा।
पुलिस कर्मियों को मिल रही बीमा की राशि पर संगठन ने उठाई आवाज। कोविड-19 के माहौल में जिस तरीके से पुलिसकर्मी आम नागरिकों से नियमों का सख्ती से पालन करवा रहे हैं, उसमें पुलिसकर्मियों के कोविड-19 की चपेट में आने की सबसे ज्यादा संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके बाद ही से ही लगातार संगठन की तरफ से आवाज भी उठाई जा रही है। इसी बीच मेन्स एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कोरोना महामारी में प्रत्येक पुलिसकर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा किए जाने पर आवाज उठा रखी है। एसोसिएशन ने पुलिस अधिकारियों से संबंध में आदेश पारित करने की अपील की है। उद्योग निदेशक के गुजर जाने पर शाहनवाज हुसैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। कोविड-19 ने अपनी चपेट में कई नामी लोगों को भी ले लिया है और कई नामी लोगों की जिंदगी भी ले ली है। इसी क्रम में बीते दिन कोविड-19 के कारण उद्योग विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह की कोविड-19 संक्रमण से जान चली गई। उनके गुजर जाने के बाद उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि उद्योग निदेशक पंकज कुमार सिंह जी बेहद अनुभवी और समर्पित अधिकारी थे। उनके बहुआयामी और लंबे अनुभव का लाभ बिहार के औद्योगिक विकास में मिल रहा था। पंकज कुमार सिंह को इस तरह जाना परिवार और उनके निजी नुकसान के साथ साथ पूरे परिवार के उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। बालिका गृह की बालिकाओं को करवाया जाएगा होटल मैनेजमेंट का कोर्स। बालिका गृह की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है, जिसके तहत ही सरकार अब इन्हें प्रशिक्षण देने का काम करने वाली है। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग बालिका गृह की बालिकाओं के करियर को मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है। यहां की बालिकाएं भी अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर जीवन की नई ऊंचाइयां छुएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसको लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और बताया गया है कि यहां की 14 लड़कियों के लिए ये पहल अभी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि विभाग के अधिकारी यूनिसेफ के सहयोग से बैंगलोर में किशोर न्याय पर आयोजित एक ट्रेनिंग में 2019 में भेजे गए थे, जहां उन्हें अन्य राज्यों की उन बालिकाओं से मिलने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवास का निर्माण कार्य इस दिन तक होगा पूरा। राज्य में दोबारा लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार देने की तैयारी चल रही है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल समेकित लक्ष्य 32,60,978 के विरुद्ध अब तक 19,40,000 से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं, जो लक्ष्य का लगभग 60% है। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 15 मई तक काम पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। बढ़ती गर्मी के बीच बिहार के कई जिलों के लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पूर्वी बिहार में पश्चिमी और पुरवैया के मिलन से कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में उच्चतम तापमान गिरेगा और न्यूनतम तापमान में इजाफा होने के संकेत है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल को पूर्वी बिहार में चक्रवाती परिस्थितियां भी बन रही हैं। इसके अगले दो दिन 30 और 1 मई को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में प्री मॉनसून आ सकता है। बिहार में हो रही त्रासदी को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर लगाए आरोप। कोविड-19 के माहौल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है, जिसके तहत सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इस बात का प्रमाण आज हर एक नागरिक के पास है। आज जब बिहार त्रासदी में है तो सरकार बेबस नजर आ रही है। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछले साल वाली गलती दोबारा मत करिए। आंकड़ों में हेराफेरी कर छवि बचाने से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य है। आप जांच घटा रहे हैं लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। ऐसा करने से संक्रमण की वास्तविकता नहीं मालूम होगी और कोरोना का फैलाव बढ़ता जाएगा। पुष्पम प्रिया ने वैक्सीन को मुफ्त करने पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर चुकी प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी कोविड-19 का डोज लिया। हालांकि उन्होंने फ्री में ये वैक्सीन नहीं ली, वैक्सीन के लिए उन्होंने 800 रुपए दिए। इसके साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने वैक्सीन देने के बाद अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार को 25 करोड़ वैक्सीन चाहिए, 10,000 करोड़ पैसे लगेंगे जो है ही नहीं, जो समर्थ है वो पैसा दे और सरकार पर दबाव दे कि वो अंतिम व्यक्ति तक टीका पहुंचाए। मैंने वैक्सीन के 800 दिए हैं, आप अलग फंड बनाकर समर्थों में स्वैच्छिक भुगतान की अपील करें, पैसे का सदुपयोग करें, चुनावी जुमले की प्रतिष्ठा में प्राण न गवाएं। डीएमसीएच में भर्ती मरीजों की अब पल पल मिलेगी जानकारी। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों के पास उनके परिजन भी नहीं जा सकते। ऐसे में अस्पतालों ने परिजन को उनके मरीज की सारी जानकारी देने के लिए नए नए रास्ते अपनाए हैं। इसी क्रम में दरभंगा डीएमसीएच में इलाजरत कोरोना के मरीज और उनके परिजनों की सुविधा के लिए कोविड बुलेटिन एप्लीकेशन बनाया गया है। इस कोविड बुलेटिन ऐप को एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस कोरोना के मरीज के भर्ती होने के समय से लेकर के अभी तक के स्वास्थ्य स्थिति की दैनिक जानकारी मिल सकती है, जिसे अब परिजन अपने मरीजों
को लेकर परेशान नहीं होंगे। बिहार में कोविड 19 के लगभग 2500 बैंक कर्मी हुए संक्रमित। बिहार में कोविड 19 से लगभग 2500 बैंक कर्मी हुए संक्रमित। कोविड 19 के माहौल में भले ही कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल गई हो, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जहां लगातार आम लोगों की सहायता के लिए तत्पर है और काम कर रहे हैं। उनमें से एक है बैंक। हालांकि कोविड 19 के इस माहौल में बैंक कर्मी भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड 19 से लगभग 2500 बैंक कर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 25 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद बैंक की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार से एक खास मांग की गई है, जिसके तहत ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैंकर्स के लिए समूह में टीकाकरण तथा इलाज के लिए अलग से अस्पताल की व्यवस्था का आग्रह किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिल्ली में लाल किले की नींव 1639 में आज के दिन रखी गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा आज के दिन दिया। भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा का 1979 में जन्म आज के दिन हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार भामा शाह का 1547 में आज के दिन जन्म हुआ था। आज 1999 में भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा ने दुनिया को अलविदा कहा था। 1979 में भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी पत्रकार और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने ऋषभ पंत को बताया भविष्य का कप्तान। भारत के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने हाल ही में ऋषभ पंत को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पंत में काबिलियत है और वो भविष्य में भारतीय टीम की कप्तानी करे। दिल्ली में आईपीएल के इस सीजन में अभी तक खेले गए 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है। प्रज्ञान ने कहा कि पंत ने अपनी बल्लेबाजी में धीरे धीरे समय के साथ काफी सुधार किया है और वो एक परिपक्व बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच देखने को मिलेगा, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी के साथ हुए मैच में हार का बदला केकेआर के साथ खेले जाने वाले मैच में ले सकती है। सोनू सूद ने शुरू किया फ्री कोविड हेल्प कैंपेन। अभिनेता सोनू सूद कोविड 19 के माहौल में एक मसीहा के रूप में लोगों की जिंदगी में आए हैं। पिछले साल जब कोविड 19 की शुरुआत हुई थी, तब आम नागरिकों की मदद के लिए और खासकर की प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सोनू सूद ने दिन रात एक कर दिए थे। तब से सोनू सूद लगातार लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर दिखे हैं। इसी बीच सोनू सूद ने अब कोविड 19 की दूसरी लहर में कोविड हेल्प कैंपेन की शुरुआत की है। इस पहल के तहत वो लोगों को निःशुल्क डॉक्टर्स की सलाह उपलब्ध करवाएंगे और घर बैठे बैठे लोगों को कोरोना टेस्ट भी करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने फ्री कोविड हेल्प नाम की पहल को लॉन्च किया है। ये पहल उनके चैरिटी फाउंडेशन सूद चैरिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर हील वेल 24 और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सोनू सूद ने खुद अपने ट्विटर के माध्यम से दी है। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए टेलीग्राम ने भी लॉन्च किए नए फीचर्स। आज के समय में व्हाट्सएप यूजर भारी संख्या में देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि व्हाट्सएप समय समय पर अपने फीचर को रोल करता रहता है। इसी क्रम में अब टेलीग्राम ने भी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नए फीचर को रोल करने का ऐलान किया है। टेलीग्राम पर अब आपको कई आकर्षक फीचर मिलने वाले हैं, जिनका आपको काफी समय से इंतजार था। टेलीग्राम ने आपके नए अपडेट को लेकर के घोषणा की है, जिसमें कंपनी ने नए एड ऑन फीचर्स का खुलासा किया है। इस नए अपडेटेड में पेमेंट 2.0, शेड्यूलिंग, वॉइस चैट के लिए मिनी प्रोफाइल, नए वेब वर्जन समेत कई अपडेट शामिल है। आपको बता दें कि टेलीग्राम ने एक ब्लॉग में मैसेजिंग ऐप में आने वाली सभी नई सुविधाओं की जानकारी का खुलासा किया है। बिहार में मिले कोविड 19 के 13,000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 13,374 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 98,747 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 120, अरवल में 179, औरंगाबाद में 597, बांका में 119, बेगूसराय में 764, भागलपुर में 454, भोजपुर में 81, बक्सर में 213, दरभंगा में 140, चंपारण में 218, गया में 1133, गोपालगंज में 166, जमुई में 169, जहानाबाद में 168, कैमूर में 190, कटिहार में 278, खगड़िया में 191, किशनगंज में 83, लखीसराय में 104, मधेपुरा में 226, मधुबनी में 272, मुंगेर में 272, मुजफ्फरपुर में 490, नालंदा में 423, नवादा में 209, पटना में 2207, पूर्णिया में 548, रोहतास में 349, सहरसा में 154, समस्तीपुर में 401, सारण में 589, शेखपुरा में 100, शिवहर में 89, सीतामढ़ी में 131,
सिवान में 348, सुपौल में 427, वैशाली में 220, वेस्ट चंपारण में 547 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 45 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल मिलाकर के 8,818 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,40,236 पर पहुंच गई है। अब छोटे बड़े वाहनों में 50% से ज्यादा यात्री बिठाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने अब और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है, जिसके तहत छोटे बड़े वाहनों में अगर आज से 50% से ज्यादा यात्री देखे गए तो कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को नियंत्रण पाने के उद्देश्य से लेकर के कोविड-19 गाइडलाइन का सही तरीके से पालन सुनिश्चित कराने के लिए गुरुवार से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों पर कड़ी निगरानी अभियान रखी जाएगी। जिला परिवहन विभाग द्वारा अभियान के दौरान यह सुनिश्चित कराया जाएगा, जिसके तहत कोई भी बस, टैक्सी या ऑटो को अपने निर्धारित सीट से 50 से ज्यादा यात्री नहीं बैठने का आदेश दिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जारी हुई नई गाइडलाइन। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत भीड़ को कम करने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। अब दुकानें शाम को 4 बजे तक ही खुलेंगी, वहीं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी भीड़ भाड़ न हो। विवाह समारोह में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। जिला प्रशासन क्षेत्रवार दुकानों को खोलने का आदेश दे सकता है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। वहीं सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यालय शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। कोविड-19 संक्रमितों से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार अब होगा सरकारी खर्चे पर। कोविड-19 के मामले भले ही बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने बीते दिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद यह साफ कर दिया है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही बीते दिन हुई बैठक में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पर किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड नेगेटिव लक्षणों वाले जान गंवाने वाले मरीजों का अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पर होगा। सुबहानी ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना के बचाव के लिए माइकिंग से प्रचार के दौरान आम लोगों को उस क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या की भी जानकारी दी जाएगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,490 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,490 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,800 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में अगर हम पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 92.53 रुपए प्रति लीटर, इसके साथ ही डीजल के दाम 85.56 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नितेश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, किशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन कोविड-19 के रोकथाम में कितनी कारगर साबित होगी। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।